नमस्कार दोस्तों, मैं सीए राहुल गोयल आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले। अब बढ़ते हैं हम आज के हमारे वीडियो की तरफ, आज के हमारे टॉपिक की तरफ, जो है कि जीएसटी का टर्नओवर आपको आईटीआर में कहाँ डालना है, पहली चीज। दूसरा, इसमें हम कवर करेंगे कि जीएसटी में कुछ और टर्नओवर आ रहा है जबकि इनकम टैक्स के हिसाब से कुछ और टर्नओवर है, तो उसका हमें क्या करना है, उसमें डिफरेंस की वजह से हमें क्या इश्यू हो सकता है या फिर उसमें डिफरेंस के रीजंस क्या होंगे। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि टर्नओवर आपको कहाँ डालना है। पहली चीज, अगर बिजनेस आप बिजनेस की आईटीआर भर रहे हो, आप इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, तो आईटीआर 3 और आईटीआर 4 आपको भरनी है, पहली चीज। अब आईटीआर 4 या आईटीआर 3 दोनों में ही जो टर्नओवर की डिटेल जाएगी वो कहाँ जाएगी, डिस्क्लोजर का जो ऑप्शन आ रहा है, डिस्क्लोजर का, ग्रोस टोटल इनकम के बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर ग्रोस टोटल इनकम, उसके बाद एक डिस्क्लोजर का ऑप्शन आएगा। इस डिस्क्लोजर के ऑप्शन पे आपको जाना है दोस्तों। डिस्क्लोजर के ऑप्शन में सबसे पहले फाइनेंशियल पर्टिकुलर आपको डालने होते हैं। जो पिछला जो हमारा वेबिनार हुआ था उसमें मैंने आपको पूरे फाइनेंशियल पर्टिकुलर जो यहाँ पे डाले हुए हैं ये डालना सिखाया था। तो अगर आपको बैलेंस शीट बनाना जाननी है आईटीआर 4 के रिगार्डिंग, 44 ADA के बिजनेस के रिगार्डिंग, तो इस वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। अब आपको जीएसटी का टर्नओवर डालना है तो वो कहाँ डालोगे, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आ रहा है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर ग्रोस रिसिप्ट रिपोर्टेड फॉर जीएसटी, तो यहाँ जाके आप ऐड कर सकते हो, और ऐड ऑलरेडी किया हुआ है तो आप इसको यहाँ से एडिट भी कर सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे आप ये आपका आपका जीएसटी नंबर डालना है और आपको आपका जो भी जीएसटी रिटर्न के हिसाब से आपकी आउटवर्ड सप्लाई है वो अमाउंट डालना है। तो हमने एक चीज सीख ली कि जीएसटी का टर्नओवर हमें कहाँ डालना है। अगर आपके एक से ज्यादा जीएसटी है तो जीएसटी नंबर वाइज आप यहाँ पे एक और ऐड कर दोगे, नया जीएसटी नंबर डाल दोगे, उसका टर्नओवर डाल दोगे, क्योंकि हम सबको पता है एक पेन पे एक से ज्यादा जीएसटी नंबर भी हो सकता है आपके पास, हो सकता है अलग अलग बिजनेस हो सकता है, एक से ज्यादा स्टेट में आप वर्किंग कर रहे हो, तो आपको सारे जीएसटी यहाँ पे ऐड करने हैं, उनका जो भी रेस्पेक्टिव आउटवर्ड सप्लाई आपकी जीएसटी रिटर्न के अकॉर्डिंगली वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। अब ये तो हमने सीख लिया कि कैसे हमें डालना है एक से ज्यादा जीएसटीएन का भी। अब बात आती है कि अगर मेरा टर्नओवर डिफरेंट है, आउटवर्ड जो जीएसटी के आउटवर्ड सप्लाई है वो कुछ अलग है, जबकि मैं मेरा पीएनएल उठा के देख रहा हूँ उसमें सेल्स में कुछ अलग अमाउंट जा रहा है, तो क्या होगा। अब पहले हमें इसके रीजन आइडेंटिफाई करने हैं, तो मैं आपको इसके रीजन बताता हूँ कि इसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों। तो आइए आपको मैं रीजन में लेके चलता हूँ, तो आप ये रीजन नोट भी कर सकते हैं। तो पहला क्या रीजन हो सकता है, हम सबको पता है दोस्तों कि जो टैक्सेबल वैल्यू है, जो टैक्स आउटवर्ड सप्लाई की जो टैक्सेबल वैल्यू है, वो टैक्सेबल वैल्यू हो सकता है इनकम टैक्स के हिसाब से और जीएसटी के हिसाब से अलग अलग हो। कारण वन, उसका कारण वन क्या हो सकता है, आपने मान लो कोई माल सेल किया, 100 रुपीज का माल सेल किया, उस पर आपने 10 रुपए फ्रेट के भी चार्ज किए, तो टोटल जीएसटी में आपने जो आउटवर्ड सप्लाई की वैल्यू दिखाई वो 110 रुपए दिखाई, ये तो आपने जीएसटी में दिखाई। बट आपने आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा पीएनएल अकाउंट, उसमें सेल्स में आपने हो सकता है 100 रुपए डाले होंगे और अदर इनकम में आपने डाल दिए होंगे 10 रुपए फ्रेट के, या तो फ्रेट के अदर इनकम में डाल दिए होंगे या आपके जो फ्रेट का खर्चा लग रहा है उस फ्रेट के खर्चे में आपने इसको नेट ऑफ कर दिए होंगे, तो एक 10 रुपए का डिफरेंस तो यहां आपके क्रिएट हो गया। दूसरा क्या कारण हो सकता है, आपका कोई भी एक्स वाई जेड बिजनेस है आपका, ये XYZ आपका बिजनेस है, और मान लो आपकी कोई अदर इनकम है, जैसे कि आपके मान लो साथ में आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे भी दी हुई है। अब हम सबको पता है अगर हमारे पास जीएसटी नंबर है, हम प्रॉपर्टी दे रहे हैं रेंट पे, अगर वो प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है, रेजिडेंशियल यूज के लिए नहीं दी गई है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है और आपने कॉमर्शियल यूज के लिए दी हुई है, तो उसमें आपको जीएसटी देना पड़ता है। अब जब आप उसको जीएसटी पे करोगे तो आपको जीएसटी के रिटर्न में आप उसको सेल दिखाते हो, जी बिल्कुल हम उसको सेल दिखाते हैं, बट आपके पीएनएल में हो सकता है वो रेंट की इनकम नहीं दिख रही हो, वो आपकी अदर सोर्सेज की इनकम में जा रही हो दोस्तों, ऐसा हो सकता है, या फिर आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में जा रही हो, तो पीएनएल के हिसाब से तो आपकी वो सेल नहीं हुई, पीएनएल के हिसाब से तो आपकी वो सेल नहीं हुई, लेकिन जीएसटी के टर्नओवर में वो आपके आउटवर्ड सप्लाई का पार्ट हो गई हो, तो यहाँ पे तो आपको जीएसटी का टर्नओवर में उस रेंट को भी इंक्लूड करके दिखाना है जिसपे जीएसटी गया है, लेकिन पीएनएल में हो सकता है वो अमाउंट आपके नहीं आ रहा हो, तो दूसरा डिफरेंस हो गया आपके ये। तीसरा डिफरेंस हो सकता है, जैसे अभी आपने फ्रेट देखा, बहुत बार आप इंश्योरेंस भी चार्ज करते हो, जी हाँ, आपका कोई माल भेज रहे हो एक्स से वाई जगह पे, तो आप इंश्योरेंस का अमाउंट भी चार्ज करते हो कि बगैर अगर कुछ हो जाता है रास्ते में तो मेरी जिम्मेदारी है, आप इतना इंश्योरेंस का पेमेंट कर दो, तो ये इंश्योरेंस का पेमेंट हो सकता है आपने पीएनएल में अदर इनकम में डाल दिया हो।
अदर इनकम में डाल दिया हो, लेकिन जीएसटी में तो आपकी सेल की वैल्यू में जो आप जीएसटी आर वन भर रहे होंगे उसमें तो टैक्सेबल सप्लाई में वो पूरा अमाउंट आपका गया होगा, तो वो डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो ये कुछ एक कारण, ये कुछ एक रीजन हो सकते हैं। तो अगर आपका पीएनएल के हिसाब से जो टर्नओवर आ रहा है और जीएसटी के आउटवर्ड सप्लाई के हिसाब से टर्नओवर आ रहा है उसका आपको डिफरेंस निकालना है, उसके रीजन आइडेंटिफाई करने हैं। डेफिनेटली ऐसे ही कुछ रीजन आपको दिखने वाले हैं, अगर उन रीजन की वजह से डिफरेंस है तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल जीएसटी के हिसाब से एग्जैक्ट आपका टर्नआउट डाल सकते हो। कल को अगर डिपार्टमेंटल से नोटिस भी आता है तो उसका प्रॉपरली आप एक रिकंसिलिएशन बना के जवाब दे सकते हो कि हमारा ऐसे ऐसे टर्नओवर था और ऐसे ऐसे हमने इसको डाला है। और अगर आपका ऑडिट का केस होगा, जीएसटी ऑडिट का केस होगा, 9C का केस होगा, तो 9C में तो वैसे ही आप बाइफिकेशन डालते हो। 9C में आपने देखा होगा आप ऑडिटेड फाइनेंशियल के हिसाब से टर्नओवर डालते हो, लेट सपोज 5 लाख, और जीएसटी के हिसाब से डालते हो, लेट सपोज 6 लाख। तो जो 1 लाख का डिफरेंस आ गया उस 1 लाख का डिफरेंस आप नीचे लिखते होंगे कि भैया ये 1 लाख का डिफरेंस इन इन कारणों की वजह से है कि एक तो मेरी 70,000 की अदर इनकम थी, 20,000 का मेरा फ्रेट था, 10,000 रुपए का मेरा इंश्योरेंस था जो कि पीएनएल में तो सेल्स का पार्ट नहीं बना जबकि अदर सोर्सेस की इनकम का पार्ट बना, जबकि जीएसटी में वो टैक्सेबल वैल्यू में एड हो गया। तो आपको ये सारे रीजन आइडेंटिफाई करने हैं और अकॉर्डिंगली आपको इसका रिकंसिलिएशन अभी बना के रख लेना है, जिससे कल को अगर डिपार्टमेंट का कोई नोटिस आता है, जी हाँ, कल को अगर डिपार्टमेंट का नोटिस आता है तो आप उसके लिए रेडी रहो। अब एक अनाउंसमेंट आप सबके लिए, जो कि कल हमारा एक वेबिनार होने वाला है टीडीएस के प्रोविजंस पे, जी हाँ कल एक वेबिनार होने वाला है टीडीएस के प्रोविजंस पे, उसकी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। क्या है वो वेबिनार? आपको अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जस्ट गिव मी वन सेकेंड, ये आपको आपके कंप्यूटर स्क्रीन, जस्ट शेयर स्क्रीन एंड दिस इज द स्क्रीन, ये हमारा वेबिनार होने वाला है जो कि कल 22 तारीख को ये वेबिनार है दोस्तों। और ये वेबिनार कितनी बजे से होने वाला है? ये वेबिनार होने वाला है आपका कल 8 PM को, शाम को 8 बजे वेबिनार है जो कि 1 से 1.5 घंटे चलने वाला है। क्या क्या कवर करेंगे? 194Q कि भैया परचेज पे टीडीएस लगता है, बायर कौन है, सेलर कौन है, कितने अमाउंट से लगेगा, किस किस केस में नहीं लगेगा, टीसीएस के जो प्रोविजंस है उससे इसका क्या संबंध है, और अगर कुछ कंडीशंस फॉलो नहीं होती है तो क्या ये टीडीएस की जो रेट है नॉर्मल रेट से भी ज्यादा लग सकती है। ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं, आप इसमें ज्वाइन कैसे कर सकते हो, आपके सामने ये नंबर दिया हुआ है, आपको केवल और केवल 99 का अमाउंट पे करना है, और आपको मेरे जो रेगुलर नंबर है 9460 40 वाले, इस पे आपको मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट भेजोगे मैं आपको वेबिनार के ग्रुप में ऐड कर लूंगा, लेकिन ये कल तक ही है। तो आप ये वीडियो जब भी देख रहे हो, अगर 22 तारीख के बाद देख रहे हो तो डेफिनेटली ये वीडियो ओवर, ये वेबिनार ओवर हो चुका होगा दोस्तों। तो अगर आप रात 22 तारीख को रात को 8 बजे से पहले ये वीडियो देख रहे हो तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो और पूरे वेबिनार का फायदा उठा सकते हो। वेबिनार में हो सकता है आपको कुछ और एक्सक्लूसिव गिफ्ट्स भी मिल जाए दोस्तों। और आप ऑलरेडी अगर मेरे चैनल की अपने मेंबरशिप ली हुई है, सब्सक्राइबरशिप नहीं, 599 देके अपने मेंबरशिप ली हुई है, तो आपको ये 99 देने की जगह केवल 49 का ही पेमेंट करना है, आपके लिए सीधा 50% का डिस्काउंट है दोस्तों। तो आई बिलीव आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।